नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा फिंगर्स मैग्नेट टेस्ट। दोनों हाथ को ऐसे करके ऐसे कीजिए टाइटली और टाइट, ये दोनों फिंगर्स खोलिए, अपने हाथ को ढीला छोड़िए, अपने हाथ को अपने आईज के सामने इसको टाइट बांधिए, इसको टाइट अपने आईज के सामने लाइए, इसके एग्जैक्ट सेंटर में देखते रहिए। जैसे जैसे सेंटर में देखते चले जाएंगे दोनों फिंगर्स मैग्नेट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे और क्लोजर और क्लोजर और क्लोजर और क्लोजर, ये मैग्नेटिक पावर बढ़ता चला जा रहा है और फास्टली क्लोज आता चला जा रहा है, और क्लोज 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 और इमेजिन कीजिए कि एक सुपर ग्लू फ्लूइड इन दोनों फिंगर्स के बीच में इन दोनों फिंगर्स को स्टक करती चली जा रही है, और स्टक और स्टक और स्टक टाइटली स्टक और टाइटली स्टक। मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, वो इतनी टाइटली स्टक हो जाएंगे कि आप ट्राई करेंगे लेकिन आप अपने फिंगर्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। 5 और टाइटली स्टक होती चली जाएगी, 4 और टाइटर, 3 और टाइटर, 2 अगली डिजिट में वो इतनी टाइटली स्टक हो जाएंगे आप ट्राई करेंगे पर अपने आप फिंगर्स को खोल नहीं पाएंगे, एंड 1 ट्राई कीजिए लेकिन आप अपने फिंगर्स को खोल नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा ट्राई करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती चली जाएगी, जितनी ज्यादा ट्राई करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती चली जाएगी, जितनी ज्यादा ट्राई करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती चली जाएगी। रिलीज रिलीज कर दीजिए, नॉर्मल 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 नॉर्मल। अब इसमें कुछ चीजें नोट करने जैसी है, एक तो ये जो है ये फिजियोलॉजिकल है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल हो रही है आप कमांड से रहे वो समझ रहे हैं कि इनके कहने पे कुछ फिंगर्स मेरे पास आ रहे हैं, देन हम स्टकनेस यूज करते हैं। स्टकनेस हिप्नोसिस वर्ड्स के कारण है, वो फिंगर्स का चपकना चिपकी नहीं है लेकिन उसके माइंड में ये बिलीफ हो गया कि मेरी फिंगर्स चिपक गई है आपकी कमांड्स। फास्टली कमांड देनी है, ऑथोरिटिव कमांड देनी है, 5 to 1 पे 2 पे याद कराना है कि नेक्स्ट डिजिट पे आप ट्राई करेंगे, ट्राई वर्ड को लाउडर बोलना है, जो चीज हमें चाहिए वो हिप्नोसिस में लाउड बोलते हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हम लो बोलते हैं। तो हम ट्राई जब भी कहेंगे ट्राई इज ए नेगेटिव वर्ड, ट्राई कभी कंप्लीट नहीं होता, हम कोशिश करने को बोल रहे हैं, हम कोशिश करने को बोल रहे हैं, हमने खोलने को नहीं बोल रहे, ट्राई कीजिए लेकिन आप खोल नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद बोलने की सजेशन देने के बाद भी कंटिन्यूसली आप बोलते रहेंगे, आप ट्राई करते रहेंगे लेकिन आप खोल नहीं पाएंगे, आप ट्राई करते रहेंगे लेकिन आपके फिंगर्स और ज्यादा स्ट्रक्ट होती चली जाएंगी, कंटिन्यूस हैमरिंग करते रहेंगे, वो अपनी फिंगर्स को अलग नहीं कर पाए और सजेशन को फॉलो कर रहा है। आप एक हायर सजेशन उसे दे सकते हैं और सजेशंस, जितनी ज्यादा वो सजेशंस फॉलो करेगा उतना इजियर होगा आपके लिए सजेशन को फॉलो कराना, क्योंकि माइंड का रूल आप फिर से पढ़िए कि एक बार माइंड कोई सजेशन को फॉलो कर लेता है तो दूसरी बार और इजियर करता है, तीसरी बार उससे इजियर करेगा, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फिंगर्स मैग्नेट टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, बहुत हजारों लोग बैठे हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही वंडरफुली वर्क करता है। थैंक यू।